अजीज़ो खुदा बंदे आलम ने सरकारे दो आलम से कुरान मजीद में जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ कुल इस्तेमाल हुआ है वहाँ अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को मुखातब किया है। जहाँ तक मेरा इल्म और मेरा नज़रिया है और कुरान का तरीक़ा है उसमें जहाँ जहाँ लफ्ज़ कुल इस्तेमाल हुआ वहाँ अल्लाह ने हबीब को मुखातब किया, नबी को मुखातब किया। कुल अरबी ग्रामर के एतबार से लफ्ज़ कुल ये जो है अम्र कहलाता है, अम्र कहते हैं हुक्म देने को। कुल ऐ मेरे हबीब कह दो, नमाज का हुक्म दिया गया कि बेशक मेरी नमाजें, मेरी जिंदगी, मेरी मौत ये अल्लाह के लिए हैं जो दो आलम का पालने वाला है। सारी बातों को छोड़ते हुए एक लफ्ज से फकत बात को हल करना चाहता हूँ जिस सिलसिले में ये महफिल का इनकाद है, जिसमें हजरत इमाम हुसैन अल्लाह ने कहा मेरे नबी आपकी नमाज अल्लाह के लिए है, फकत अल्लाह के लिए नबी की सारी नमाजें हैं। आप तारीख इस्लाम उठा के देखिए, 14 सितारे पढ़ के देखिए, ये जहाँ तक आपने पढ़ा हो बहुत सारी कुतुब इस्लामिया हैं, मुतालिया कीजिए, कुतुब भी नहीं कीजिए और आप उसको खंगालिए और देखिए अपनी नज़रों से, तो आपको मिल जाएगा कि ये नमाज किसके लिए थी। कि जब नबी का सर सजदे में था और पुश्त के ऊपर हुसैन इब्ने अली थे, हमने कहा ये नमाज भी हो सकता है कि खुशनूदिये फातिमतु जहरा के लिए। अजब नहीं आवाज़ इलाही आए कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नमाज भी नबी की लिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब नबी की नमाज चाहे वो नाफिला हो, चाहे वो वाजिबात हो, चाहे नबी की नमाजें वो हजर की हो, चाहे वो नबी की नमाजें सफर की हो, जितनी भी नबी की नमाजें हैं सब अल्लाह के लिए हैं।